नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करते हैं। दरअसल दक्षिण कश्मीर के त्राल में सुबह सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, जो है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जहां पर त्राल में एनकाउंटर में 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी और सेना और पुलिस साथ ही साथ सीआरपीएफ ने एक साझा ऑपरेशन चलाया और इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अपने संवाददाता एजाज डार का रुख करते हैं। एजाज, पूरी खबर बताइए, क्या अभी भी एनकाउंटर चल रहा है या सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अपडेट क्या है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे सेना को ये खबर मिली थी कि अंदर में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं, तो उन्होंने सर्च अभियान चलाया, तो जिसमें एक में से मिलिटेंटों ने फायर किया सर्च पार्टी पे, जो एनकाउंटर में चेंज हुआ। अब सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है कि 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की आशंका खबर मिल रही है, और जो है एक से जो है अंदर एक दो में छुपे होंगे, तो अभी फायरिंग चल रही है और सर्च भी चल रहा है। अभी कितने आतंकियों को मार गिराया है और कितने अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर बताई जा रही है एजाज? अभी तो खाली 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। ठीक है, अभी एक से ज्यादा जो है मिलिटेंटों की आशंका बताई जा रही है कि अंदर हो सकते हैं। बेसिकली एक हाइड आउट है, ये रिहायशी एरिया नहीं है, मतलब जहाँ पे मतलब हमने देखा है कि जो है आपने यहाँ मकान में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे आपको ये एक हाइड आउट है। सेना को ये इतना मिली थी कि इसी जगह पे मिलिटेंट छुपे हैं, तो उन्होंने सर्च अभियान जो है सुबह से चलाया था वहाँ पे, तो मिलिटेंटों ने सर्च ऑपरेशन पे सर्च पार्टी पे फायर किया, तो जो एनकाउंटर में चेंज हुआ। अभी तक 2 डेड बॉडीज जो है देखी गई है एनकाउंटर स्पॉट के पास, तो अभी फायरिंग चल रही है। मुठभेड़ चल रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी भी मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकियों के शव हालांकि दिख गए हैं, मिल गए हैं, और अभी भी एक या दो से अधिक आतंकियों के छिपे होने की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल मुठभेड़ जो है श्रीनगर से तकरीबन 36 किलोमीटर दूर त्राल के सतूरा में चल रही है, जहां पर 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका बताई जा रही थी। ऑपरेशन अभी भी जारी है, लगातार जो गोलीबारी है वो चल रही। हालांकि 2 आतंकी अभी मार गिराए गए हैं सेना की तरफ से।